प्रेरणा कथा सिर्फ पश्चाता। सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में मिस्टर किम की आकस्मिक मृत्यु ने सबको हिलाकर रख दिया था। उनके लिए जीवन वैसे भी पानी का एक बुलबुला था जो अचानक ही फट गया था, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मेरे वरिष्ठ थे। मुझे इनकी मृत्यु से बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में थोड़ी खुशी भी थी, जिसके कारण मुझे कुछ ग्लानी भी हो रही थी। मिस्टर किम शहर की सबसे बड़ी कंपनी के सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर थे। मैं उस कंपनी में 4 बरस से काम कर रहा था और मुझे बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारियों में गिना जाता था। उनकी मृत्यु के बाद मेरी तरक्की की उम्मीद बढ़ गई थी, उनका पद खाली हो गया था। अगली सुबह बहुत ही ठंड थी और मैं हमेशा की तरह ही अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और आकाश पूरी तरह से साफ था। जब मैं दफ्तर में घुसा, मैं बहुत ही प्रसन्न था और मुझे आशा थी कि मुझे प्रबंधकों के दफ्तर से बुलावा आया। मैं दिन भर प्रतीक्षा करता रहा, पर कुछ भी नहीं हुआ। शाम होते होते मैं बहुत चिंतित हो गया और मैं मिस्टर किम के दफ्तर की तरफ चल गया। मैंने देखा कि मिस्टर किम की जगह कोई और ही बैठा हुआ था उनकी कुर्सी पर। वो कोई नया व्यक्ति था। जब हमारे प्रबंधक ने मेरा परिचय उनसे करवाया, मेरे मुंह में तो शब्द ही नहीं थे। नया सहायक प्रबंधक एक लंबा तगड़ा सुंदर नौजवान था और वो ब्रिटिश उच्चारण से अंग्रेजी बोलता था। मैं प्रबंधक से विरोध जताना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरे केबिन में वापस आते समय मैं गुस्से से भरा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिस पद को अपना समझ रहा था, वो किसी और को दे दिया गया था। पहले दिन से मुझे उस नए सहायक प्रबंधक से घृणा हो गई। उससे बात करते समय मेरे अंदर की घृणा मेरे शब्दों में साफ झलकती थी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मेरी नए सहायक प्रबंधक के प्रति घृणा और भी बढ़ने लगी। मैं पद पाने के लालच में अंधा हो गया था और मेरी अच्छाइयां मेरी घृणा के नीचे दब गई थी। नए सहायक प्रबंधक का नाम जेम्स था। वो नहीं जानते थे कि मैं उनसे इतनी घृणा क्यों करता था और हमेशा ही उनसे गुस्से से क्यों बात करता था। वो रोज ही मुझसे पूछते थे कि उन्होंने क्या गलती कर दी थी और मेरी समस्या क्या थी। मैं जवाब में शांति रहता था। कई महीने बीत गए, पर तब भी मैं सहायक प्रबंधक के पद को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर एक दिन मुझे एक मौका मिल ही गया। उस शाम को मैं और जेम्स ही दफ्तर में थे। सभी अंग कर्मचारी जा चुके थे। एक बहुत ही विनम्र इंसान होने के नाते जेम्स ने मुझसे कहा, बाहर बहुत बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता भी नहीं है, मैं तुमको अपनी गाड़ी में तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। मैं इनकार करना ही चाहता था कि अचानक मैंने हाँ कह दी। जेम्स खुश थे, क्योंकि आखिर हम दोनों उसकी कार में बैठकर बातें करने वाले थे। हम दोनों ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, तभी मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया और जो मैं करने वाला था उसके परिणाम के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। वो मुझसे बात कर रहे थे कि तभी उनके फोन की घंटी बजने लगी। कुछ देर के लिए उनका ध्यान भंग हो गया। सिर्फ हल्का सा धक्का देने से ही जेम्स सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाने वाला था। सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए जेम्स के सर पर एक गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा सब देख रहा था। मेरे लिए तो जैसे सांस लेना ही मुश्किल हो गया। एक दो क्षण के बाद मैंने होश संभाला और मैं सीढ़ियों से नीचे दौड़ा उसकी मदद करने के लिए। तब तक एक गार्ड भी आ गया था। हम दोनों मिलकर जेम्स को अस्पताल ले गए। अंदर जेम्स का उपचार हो रहा था और बाहर में लगातार आंसू बह रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर मुझे बताया कि जेम्स को कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने यह भी बताया कि जेम्स के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और शायद वह प्रभाव जीवन भर ही रहने वाला था। मैं सन्न खड़ा रह गया। जब मुझे सहायक प्रबंधक का पद दिया गया, मैं पश्चाताप से भरा हुआ था। मैंने उस पद को ठुकरा दिया और अगले ही दिन
नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को जीवन भर के लिए दिमागी अपंग बना दिया था। ग्लानि और पश्चाताप मेरे साथ जीवन भर ही रहने वाले थे। मैंने एक सीधे हंसमुख और विनम्र व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया था। मेरे लालच ने मेरी मासूमियत, ईमानदारी और वफादारी और सच की हत्या कर दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।